सो फर्स्टली डिजिटल की तरफ रुख हो रहा है जो फ्यूचर है वी एज वी सी डिजिटल जो जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है आपका भी शो जा रहा है डिजिटल की और आप क्या कहना चाहोगे किस तरह की फीलिंग है और क्या थिंकिंग था डिजिटल में हम लोग ऑब्वियसली पॉजिटिव है डिजिटल में हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमारा अपर हैंड रहा है डिजिटल में हम लोग टॉप 5 रहे हैं वोट पे हम लोग नंबर 2 रहे हैं सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम आवर साइड एंड अभी जाने के बाद हम अचीव करना चाहेंगे नंबर 1 पोजीशन ऑन वोट वो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी रीच भी वो मिल जाएगी हमें बस उसी दिन का वेट कर रहे हैं कब हम वोट पे नंबर हों आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में वेल ऑनेस्टली मैं बहुत पॉजिटिव थी इस बात को लेके बिकॉज यू सी हमारा फाइनाइट शो था तो हमें जितना वक्त देना था टीवी पे हमने उतना दिया है अब अगर इसके बाद हमें यू नो कुछ वक्त और डिजिटली मिल रहा है सो दैट्स लाइक अ बोनस पॉइंट या दैट्स अ ब्राउनी पॉइंट एंड दैट मीन्स कि हमें बहुत सारा प्यार मिला है इसलिए यू नो द चैनल डज नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ आर शो सो मैं तो बहुत पॉजिटिव थी इस बात को लेके सो एक्साइटेड लास्ट 2 साल की मैं बात करूँ इट्स अ करंट पास्ट फ्यूचर ऑफ मूवीज डिजिटल की बात करूँ आपको क्या लगता है जिस तरह के शोज बनते उसकी भी फ्यूचर ओटीटी होने वाले आने वाले समय में वेल ऐसा नहीं है ऑनेस्टली बिकॉज यू नो एक टीवी की ऑडियंस है वो हमेशा टीवी पे भी जुड़ी रहेगी वेर एज यू नो मुझे नहीं ऐसा लगता दैट हर चीज़ बदल जाएगी जो जिसकी ऑडियंस है वो हमेशा जुड़ी रहेगी जैसे मेरी माँ आज भी मूवी नहीं शायद से टीवी ही देखती है और यू नो मेरे जो पापा है वो शायद सीरियल छोड़ के आज भी ओटीटी पे ही कुछ यू नो शोज सो यू नो इट्स जस्ट द ऑडियंस जो हमेशा रहेगी एंड व्हाट डू यू वांट टू से जिस तरह से डिजिटल में प्यार मिला है वही सबसे बड़ा रीजन है कि डिजिटल में स्विच होने का या आपके शो को वेल आई गेस क्योंकि वरना अगर ऐसा कुछ होता तो हम कलर्स पे अभी भी चल रहे होते बट कलर्स का हमने टाइम respectably हमने पूरा किया और अब ओटीटी पे पहुंच गए वोट पे पहुंच गए तो आई थिंक कुछ सोच समझ के उन्होंने हमें वोट पे डाला होगा एंड व्हेन आई सी द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर शो यूथ काफी फॉलो करती है एंड टुडे इज इंटरनेशनल यूथ डे उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे यूथ को किस तरह का मैसेज देना चाहोगे आप लोग वेल यूथ फॉलो करती है तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम यू नो सही चीज़ें पोर्ट्रे करें सही सीख दे आने वाली यूथ को बिकॉज यू नो दैट्स इन आवर हैंड्स हम तो हम जितना कर सकते हैं सही मैसेज देकर सही तरह के शोज कर कर एंड सही चीज़ें प्रमोट कर कर आई गेस हम वो हमेशा कोशिश करेंगे करने की एंड अगस्त्या की मैं बात करूँ यू आर डूइंग गुड रोल बैड रोल एंड इनफैक्ट योर ओन रोल थ्री डिफरेंट रोल हम आप लाइक व्हेन वी डू थ्री डिफरेंट रोल लाइक तो मेथड एक्टिंग की तरफ काफ़ी रुख करते हो डू यू डू द सेम एक्टिंग लाइक डू यू डू मेथड एक्टिंग और यू डू लाइक नेचुरल एक्टिंग यार आई बिलीव इन डूइंग नेचुरल एक्टिंग बिकॉज जो मैं नॉर्मल उसमें हूँ बट हाँ ये है कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में आ जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेट पे अलग हूँ या मतलब जोन बना के बैठा हूँ हाँ मतलब मैं एक हाँ ऐसे जोन में नहीं होता जोन में तब आता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कुछ ऐसा है तो मैं उस जोन में अपने आप मेंटेन कर लेता हूँ बबल मेंटेन कर लेता हूँ फिर मैं उसी में रहता हूँ अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन होता है तो अदरवाइज जब मैं सेट के बाहर होता हूँ फिर मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा होता हूँ एज ज़ेन और इनफैक्ट लाइक वर्ल्ड एक्टिंग के बारे में तो हाउ डू यू सी द कितना डिफिकल्ट हो जाता है कितना चैलेंजिंग होता है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग है द गुड वन द बैड वन विच पार्ट इज़ मोर चैलेंजिंग फॉर यू सी दोनों की अलग एक क्वालिटीज़ हैं और एक करने का तरीका है बैड अगस्त को थोड़ा बहुत पुराने वाला जो अगस्त है उस जोन में ला के एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ा डम भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ताकि उसको ताकि पॉजिटिव वाले अगस्त को सिंपथी मिले और इसको ऐसे लगे यार ये तो क्योंकि ये एक बहरूपिया है उसको इसका एक क्लोन बनाया गया था प्लास्टिक सर्जरी बनवा के तो वो एक डम इंसान था जिसको फेक अगस्त बनाया गया तो मैं उस दोनों जोन को दिखा रहा हूँ एंड आई बीइंग अ वर्गो वी नो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर बर्थडे मैं आपसे नहीं आपसे शुरुआत करूँगा आज आपने कुछ प्लान किया 8 अगस्त से ओटीटी में एंड 8 सितंबर नहीं यार अभी ऐसा कोई प्लान नहीं करा और मैं प्लानिंग पे बिलीव नहीं करता मैं स्पॉन्टेनियस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ तो जैसे ही 7 सितंबर आएगा और ये इन्होंने कुछ प्लान किया होगा मैं उस प्लान में शामिल हो जाऊंगा आप क्या कहना चाहोगे आई नो बीइंग अ वर्गो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर बर्थडे किस तरह से प्लानिंग हो रही है आपकी कुछ वेल ऑनेस्टली मतलब बर्थडे की प्लानिंग
जुलाई एंड से शुरू होती है लेकिन सितंबर 6 तक कोई प्लान नहीं होता है मेरे पास. बट आई गेस आई वुड वांट इट टू बी अ वर्किंग बर्थडे. आई वुड वांट माय क्लोज पीपल टू बी विद मी बिकॉज यू नो आई एम नॉट दैट पार्टी एनिमल के अरे सब पूरी इंडस्ट्री आ जाओ साथ में मिलके पार्टी करेंगे एंड ऑल दैट. आई वुड वांट इट टू बी विद माय क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम मोर देन लाइक यू नो हैव अ वाइल्ड वाइल्ड पार्टी. आई वुड वांट टू हैव अ गुड टाइम. तो देखते हैं तब कैसे प्लान्स बनते हैं. एंड लास्टली हमारे जो जनता है जो वोट पे आपको देखने वाली उनके लिए एक छोटा सा संदेश दे दीजिए. कीप ऑन वॉचिंग फना यशु मर्जावा बूट पे एक्सक्लूसिवली. तो इसको देखे देखना ना भूलें. yes. हर रोज मंडे टू फ्राइडे. और बताइए कैसा लगा आपको और प्यार देते रहे. थैंक यू.